what are you going to do about it? I mean, see, you know what happens? Your whole life reflects back on you. I mean, you know, everything just came back, and my children and my, you know, and I have a history in my family. My mom died of pancreatic cancer. My wife died of the brain cancer and everything. Sanjay Dutt. सिनेमा जगत का एक ऐसा नाम जो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। विवादों से तो संजय दत्त का पुराना नाता रहा, लेकिन भले ही उनका नाम किसी भी कंट्रोवर्सी से जुड़ा हो, उन पर किसी भी तरह के आरोप लगे हों, लेकिन उनकी इज्जत आज भी कम नहीं हुई है। आज भी वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हाल ही में संजय दत्त ने एक अस्पताल में हो रहे इवेंट में शिरकत की, जहाँ उन्होंने अपनी कैंसर जर्नी को लेकर कई खुलासे किए। इस दौरान संजय दत्त के साथ उनकी बहन प्रिया दत्त भी मौजूद रही। अपनी कैंसर जर्नी के बारे में बताते हुए संजय दत्त ने कहा कि जब मैं फिल्म KGF 2 की शूटिंग कर रहा था, उस समय मुझे पीठ में दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके चलते शूट के दौरान मुझे दवाओं के साथ साथ गर्म पानी की बोतलों का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन एक दिन मुझे सांस लेने में काफी दिक्कत हुई और मैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया। मैं अस्पताल में अकेला था। उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था, ना फैमिली, ना मेरी वाइफ, बहन, कोई भी नहीं। इसके बाद एक शख्स ने आकर मुझसे कहा कि मुझे कैंसर है। उस वक्त मेरी वाइफ दुबई में थी, तो मेरी बहन प्रिया अस्पताल पहुंची। उन्होंने आगे कहा कि जब आप इस तरह की कोई खबर सुनते हो, तो उस वक्त आपके सामने आपकी पूरी लाइफ दिखने लगती है। मेरी फैमिली में कैंसर हिस्ट्री थी। मेरी माँ ने पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। और इतना ही नहीं, मेरी पहली पत्नी ऋचा शर्मा ने भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो पहली चीज मैंने कही थी वो थी कि मुझे कीमोथेरेपी नहीं करवानी है। मैंने कहा मरना है तो मरूंगा, पर इलाज नहीं कराऊंगा। संजय दत्त ने आगे कहा कि राकेश रोशन ने उन्हें डॉक्टर सीवंत लिमाय के बारे में बताया था। उस मुश्किल वक्त में उन्हें बहुत मजबूत रहना पड़ा। अपने परिवार की वजह से वो ट्रीटमेंट के लिए राजी हुए थे। उन्होंने बताया कि मैंने अपने परिवार को टूटते देखा, फिर एक रात फैसला किया कि बीमार पड़ा और टूटा तो वो भी टूट जाएंगे। तब मैंने फैसला किया कि मैं फाइट करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि जब वो कैंसर से रिकवर हुए, तब वो दुनिया को अंधेरे में नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस जानकारी को लेकर कभी भी कोई झूठ नहीं बोला। उन्होंने आगे कहा कि लोग इस पर बोलना नहीं चाहते हैं, लोगों से छिपाते हैं, लेकिन उन्होंने करियर को साइड रख कर इस बारे में लोगों को बताना सही समझा। ऐसा इसलिए ताकि आगे चलकर वो जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। बता दें कि साल 2020 में संजय दत्त फोर्थ स्टेज के लंग कैंसर का शिकार हुए थे। उनके परिवार को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इस मुश्किल घड़ी में अपनी हिम्मत बनाए रखने के साथ साथ अपने परिवार के साथ भी मजबूती से खड़े रहे। बता दें कि संजय दत्त आखिरी बार पिछले साल रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा में नजर आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। आने वाले समय में संजय दत्त वो बाप, द गुड महाराजा और घुड़चड़ी जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। वो बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि साउथ सिनेमा जगत में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ रहे हैं। हाल ही में वो साउथ की फिल्म KGF चैप्टर 2 में अधीरा के रूप में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने अपने दमदार अभिनय से सभी का दिल जीत लिया था। गौरतलब है कि चाहे संजय दत्त के साथ कुछ भी हुआ हो, जिंदगी में उनकी कोई भी कठिनाई आई हो, लेकिन संजय ने डट कर सामना किया और अपने अभिनय से उन्होंने सभी के दिलों में छाप छोड़ी और आज भी वो हर किसी के दिल पर राज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।